हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो एक NBFC का ऑफिशियल अपडेट आया था, जहां से आप अपने वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल कॉपी आप अपने स्मार्टफोन में आधार कार्ड की जैसे ही डाउनलोड कर पाते थे, लेकिन दोस्तों वहां पे जो था कुछ ही वोटर आईडी कार्ड को अपडेट किया गया था और काफ़ी सारे जो वोटर आईडी कार्ड थे उसको डिजिटल नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो है यहाँ पे लगभग सभी वोटर आईडी कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है, जहाँ से दोस्तों आप अब अपने स्मार्टफोन या आप कंप्यूटर या किसी भी चीज़ से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन से। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डिजिटल वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, ताकि जो आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप कर देना है NBFC। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट वेबसाइट जो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक यहाँ पे EPIC डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे टैप। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से अपना यूज़र आईडी नहीं क्रिएट किया है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र। दोस्तों अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने जो है पहले से यहाँ पे अकाउंट बना रखा है, सिंपली यहाँ हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ऊपर यहाँ पे आपको EPIC डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप अपना EPIC नंबर या आपके पास अगर रेफरेंस आईडी है तो वो दोनों में से कोई भी फिल करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपके पास EPIC नंबर है तो EPIC नंबर फिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास रेफरेंस आईडी है तो यहाँ से आप अपना रेफरेंस नंबर जो है फिल कर देंगे। EPIC नंबर डालने के बाद आपको नीचे आपका जो भी स्टेट होगा यहाँ से आपको इस पर सेलेक्ट करना है और अपना स्टेट यहाँ से चूज कर लेना है। आपको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ से आप सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर जो है यहाँ पे आपको वोटर लिस्ट का जो है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आपका जो है EPIC नंबर होगा, साथ ही दोस्तों आपका नाम जो होगा नाम होगा फादर नेम होगा टोटल डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे एक सेंड OTP का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से सेंड OTP वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, जिसको दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर OTP वाले टैब में यहाँ पे आपको OTP फिल कर देना है। दोस्तों आपके अगर वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ से दोस्तों आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको OTP फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे एक वेरीफाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ से आप इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड EPIC, सिंपली दोस्तों आपको उस पर टैप करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे EPIC डाउनलोड PDF आ जाएगा, जहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों उसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको ऊपर यहाँ पे आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ से जो आपका वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ डाउनलोड हुआ होगा उसको ओपन कर लेना है, जो कि दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का वोटर आईडी कार्ड आपका वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दे और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।